धनबाद संसदीय सीट से पति पत्नी की जोड़ी मुकाबला करती हुई दिख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी डुल्लू महतो के लिए उनकी पत्नी सावित्री देवी चुनाव प्रचार कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए उनके पति कुमार जयमंगल चुनावी प्रचार की बागडोर संभालते हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टियों की ओर से नेता साथ साथ चलते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान पति पत्नी भी मिलकर साथ प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए पति और पत्नी वोट मांग रहे हैं। जहां धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, उससे ये लग रहा है कि पारिवारिक माहौल के साथ साथ दोनों ओर से पारिवारिक लड़ाई दिखाई दे रही है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर क्षेत्र में जनसभा और जनसंपर्क कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। दोनों प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के पति जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह अपनी पत्नी के लिए जनसंपर्क और बैठक करके जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। डुल्लू महतो की छवि पर लगातार हमला कांग्रेस कर रही है। भाजपा डुल्लू महतो के छवि को सामने रखकर भाजपा के पूर्व सांसद रीता वर्मा सांसद पीएन सिंह से तुलना कर जनता से वोट मांग रही है, वहीं अपनी स्वच्छ छवि का हवाला भी दे रही है। भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो की धर्मपत्नी सावित्री देवी भी अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं। सावित्री देवी अपने पति बीजेपी के प्रत्याशी डुल्लू महतो के लिए जनसंपर्क अभियान और जनसभाएं करके वोट करने की अपील कर रही हैं। सावित्री देवी के अनुसार कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। डुल्लू महतो की छवि पर हमला कर वह कुछ और ही जताना चाहती है। 4 जून के परिणाम के बाद कांग्रेस कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह पाएगी, यह दावा सावित्री देवी कर रही हैं। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, बोलने के लिए कोई बात नहीं है, और हम लोगों के पास बहुत बात है, इसलिए मैं उन लोगों के बारे कोई बात नहीं करना चाहती। उन लोगों को जवाब मिलेगा 4 जून को, बस आप लोग भी थोड़ा सब्र रखिए। और मैं हमारे धनबाद लोकसभा के देवतुल्य जनता से भी, जनता उनको जिताएगी, उस छवि पे हमलावर हो गया। अच्छा, वो तो जनता तय करेगी, वो तो समय 4 जून में सबको पता चल जाएगी। बस हम यहाँ अपने धनबाद लोकसभा के देवतुल्य जनता को यही आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ सब्र रखिए और सब्र का फल मीठा होता है। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए उनके पति जयमंगल सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जयमंगल सिंह अपनी पत्नी की छवि का हवाला देते हुए वोट मांग रहे हैं और उनकी तुलना डुल्लू महतो की छवि से कर रहे हैं। धनबाद की जनता के सोच के आधार पर उसका प्रत्याशी होना चाहिए, ये लगातार जनता के बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं। धनबाद की जनता ने हमेशा साथ छवि के नेता को ही प्राथमिकता दी है। स्टार प्रचारक यहाँ पे जनता है और यहाँ के पूर्व जो सांसद रहे हैं उनकी छवि किस तरीके की है, ये लगातार जयमंगल सिंह अपनी सभाओं के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास भी है, भरोसा भी है कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने हमेशा एक स्वच्छ छवि वाले सांसद को अपना अभिभावक बनाया है। हाँ, निश्चित तौर पर मेरी पत्नी अभिभावक तो नहीं बन सकती है, लेकिन हाँ, बेटी और बहू बनकर जरूर काम करेंगे। मेरी पत्नी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो अलग बात है। सबसे बड़ा अगर स्टार प्रचारक मेरी पत्नी के लिए कोई चीज़ है तो मैं समझता हूँ कि धनबाद की विचारधारा, और वो विचारधारा जो वो तमाम सांसदों को पूर्व में सुनते आए हैं, चाहे वो राम नारायण शर्मा जी हों, चाहे वो आपको AK राय जी हों, चाहे वो BP सिन्हा जी हों, चाहे वो आपको चंद्रशेखर दुबे जी हों, चाहे वो आपको रीता वर्मा जी हों, चाहे वो आपको PN सिंह जी हों, तो मेरी पत्नी के लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक अगर कुछ है तो वो सोच है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को सांसद धनबाद ने बनाया है, और वही सबसे बड़ा मेरा स्टार प्रचारक का मुद्दा।
धनबाद संसदीय सीट से पति पत्नी के लिए तो पत्नी पति के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है ये राजनीतिक लड़ाई पूरी तरह से पारिवारिक सद्भाव की लड़ाई बनती जा रही है, वहीं पारिवारिक लड़ाई का रूप भी दिखाई दे रही है जिसमें पति अपने पत्नी के लिए और तो वहीं पत्नी अपने पति के लिए वोट मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए यहां पर वोट मांगने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब किस पति पत्नी को उनकी उम्मीद के मुद्दे पर धनबाद की जनता चुनती है यह 4 जून को पता चलेगा। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।